अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिसने अपने काले रंग के चलते बचपन में अपने आप को नोचना चाहा, अपने आप को रगड़ कर साफ किया करती थी कि कैसे भी करके ये रंग मेरे शरीर से उतर जाए। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के चर्चित कॉमेडियन VIP की बेटी ध्वनि है। ध्वनि पवार इन दिनों मीका सिंह के स्वयंवर में नजर आ रही हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें सबसे पहले तो ये बता दें कि ध्वनि एक्ट्रेस होने के साथ साथ कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट और बेहद अच्छी सिंगर भी हैं। ध्वनि ने मीका सिंह के स्वयंवर में इस बात का खुलासा किया कि बचपन से ही हर कोई मुझे काले रंग को लेकर बहुत कोसता था। काली है ये तो काली है, मेरे साथ बच्चे खेलते तक नहीं थे। मैं घर पे आकर शीशे में देखकर अपने आप को नोचती थी और अपने आप को साफ करने की कोशिश करती थी कि कैसे भी करके मेरे ऊपर से ये काला रंग उतर जाए। लेकिन ध्वनि आज देखिए, आपका रंग नहीं आपकी कला, आपका व्यक्तित्व, आपकी पहचान बना है। और किसने कहा कि काला रंग बुरा होता है। मिथुन चक्रवर्ती से लेकर रजनीकांत तक इंडियन सिनेमा में कई ऐसे सितारे हैं काला रंग होने के बावजूद सुपर स्टार का टाइटल हासिल किया है। फाइनल कट न्यूज डेस्क।